बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने पूरे एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। तमाम तर समंदरी रियासतें और बहरी रियासतें भी बंद कर दी गई हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद एक हफ्ते की तोसी की जा सकती है। वो लोग जो एग्जेक्टिव एंट्री वीज़ा पर गए हैं और इनके एग्जेक्टिव एंट्री वीज़ाज ख़त्म हो रहे हैं या फिर इनके अकामात ख़त्म हो रहे हैं, इनको जुर्माने से बचने के लिए क्या करना होगा या इनको जुर्माना अदा करने पड़ेगा या नहीं। वो लोग जो एग्जेक्टिव एंट्री वीज़ा पर गए हैं और इनके एग्जेक्टिव एंट्री वीज़ाज ख़त्म हो रहे हैं या फिर अकामात ख़त्म हो रहे हैं, इनको जुर्माने से बचने के लिए क्या करना होगा या इनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा या नहीं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दी अरब इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ कि जो लोग जाना चाहते हैं और उससे पहले फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डाटा में ऑटोमेटिकली इनका डाटा अपडेट किया जाएगा और इनको किसी भी किस्म का जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। अब जो लोग नहीं जा सके उनके लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन रिफ़ंड का है, मतलब आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, यानी आपने जो बुकिंग करवाई थी उसके सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे या उन्हीं पैसों से आप किसी और डेट में फ़्लाइट्स की टिकट्स बुक करवा सकते हैं। बिल्कुल नई और ताज़ा खबर ये है कि सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एक हफ़्ते के लिए बंद रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हेड के मुताबिक इसमें मजीद एक हफ़्ते की तोसी की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ लग गई होगी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल दी अरब इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका क्रूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।